बिहार में 11 मार्च को अररिया लोकसभा सीट के साथ साथ जहानाबाद और भभुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनावी प्रचार का शोर आज थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई रैलियों को संबोधित किया। जहानाबाद में लोगों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता चाचा को सबक सिखाएगी। इस बार का उपचुनाव तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार माना जा रहा है। 2019 से पहले हो रहे उपचुनाव के लिए जेडीयू और आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन जहां सीएम नीतीश कुमार ने अररिया और जहानाबाद में दो दो जनसभाओं को संबोधित कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अररिया में 3 दिन रुककर अपने प्रत्याशी के पक्ष में कई सभाएं की। वहीं जहानाबाद में भी तेजस्वी ने जनता के बीच पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आने के बाद उनके जनाधार में बढ़ोतरी होगी और हम इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब सभी पार्टियों ने तो चुनावी अभियान में अपना दमखम दिखा दिया है, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में किसकी जीत होगी ये तो 14 मार्च को साफ हो जाएगा। रिपोर्ट।